हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात करने जा रहा हूं सिलेबस एंड स्ट्रेटजी फॉर सियोर सिलेक्शन इन एनटीपीसी। और यहां पे हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। जिसका भी सिलेक्शन एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में हो गया उसके लिए भी, और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए भी आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना है और ज्वाइन करना है। मैंने बताया हुआ है कि ज्वाइन कैसे करना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, ठीक है। और काफी तेजी से ज्वाइन हो रहा है जब से मैंने पेमेंट मेथड को बता दिया है कि कैसे पेमेंट करना है, फोन पे से, गूगल पे से, आपका यूपीआई से, रुपे कार्ड से, नेट बैंकिंग से कैसे पेमेंट करना है। जब से मैंने बताया है तब से मेंबर्स काफी स्पीड में इंक्रीज होने लगे हैं। और फ्री में जो लेक्चर आएगा वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन उससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, आपका सियोर सिलेक्शन नहीं होगा। सियोर सिलेक्शन अगर चाहिए तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होगा, उस पे जा करके आप लोग ज्वाइन कर लो। अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग देख लेना, एक वीडियो आया हुआ है कि ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। चलो, और रीजनिंग जो है ये आपको दो टीचर मिलके कवर करेंगे। इसका कुछ हार्ड सेक्शन जो है वो मैं आपका कवर करूंगा और कुछ सेक्शन जो है वो आपको दूसरे टीचर कवर करेंगे। फिर से उसी तरह से मैं यहाँ पे एनटीपीसी पे टारगेट कर रहा हूँ और ग्रुप डी पे भी टारगेट कर रहा हूँ, और दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो यहाँ पे रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चंस आएगा। आपको पता ही है मैथ प्लस रीजनिंग टोटल 60 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको स्कोर का टारगेट रखना है 55 प्लस, एनी हाउ यू हैव टू स्कोर, ठीक है। और यह भी मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रांग मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। जिसका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगा उसका सिलेक्शन फिक्स है। आप खुद सोचो ना, 20 टाइम्स रिजल्ट आपका आएगा सीबीटी वन में। आप खुद सोचो 20 टाइम्स रिजल्ट आपका आएगा सीबीटी वन में, मतलब 7 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा अप्रॉक्स, क्योंकि 35,000 के आसपास सीट है आपका एनटीपीसी में। और अगर आप 60 प्लस मार्क्स ले आते हो आउट ऑफ 100, क्योंकि इसके बाद तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ मार्क्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो आपका अल्टीमेटली सीबीटी वन ऐसे ही निकल जाएगा। मतलब बिना जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस अटेम्प्ट किए भी आप सीबीटी वन क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ये भी करना है, जितना अच्छा से करोगे कल हो करके सीबीटी टू में भी फायदा आपको ही होगा, ठीक है। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया कि रीजनिंग कैसे करना है और मैथ्स कैसे करना है। इसका भी लेक्चर आएगा, यहाँ पे मैं आपको सारा चीज बताऊंगा अलग से लेक्चर में। अब यहाँ पे सिलेबस देख लो, सिलेबस वही सिलेबस है जो आपका एनटीपीसी के द्वारा ऑफिशियल जो है वो दिया गया है रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के लिए। जैसे कि आपको एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ईटीसी, ठीक है। अगर आपको और डिटेल्स में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। एक एक करके जो लेक्चर आएगा ना उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे। ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। काफी लोगों को यही नहीं पता चलता कि डिसीजन मेकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिलोलिज्म क्या होता है, काफी लोगों को यही नहीं पता है। तो इसीलिए ये मैंने दे दिया है। आपको क्या करना है, सेपरेट लेक्चर, जैसे कि एनालॉजी का 2 से 4 लेक्चर आएगा, पजल का 2 से 4 लेक्चर आएगा, इस तरह से आपको लेक्चर आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइंस, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा, बहुत सारा चीज है जो आप अगर मेंबर बन जाते हो तो मेरा और आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा। तो मैं गाइडलाइंस देता रहूंगा, आप लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो करते रहोगे, और ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, उसी तरह से
यहाँ पे देख सकते हो और भी कुछ टॉपिक है आपका, जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन है आपका, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रिलेशनशिप, मैप, ये सब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ग्राफ, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सब कुछ अच्छे से देखेंगे। कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो ये सारा चीज़ में जो है ग्रेजुएशन लेवल का जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो इतना आप लोगों को भी आता होगा। देखो ये पहेली, न्याय निगमन, वेन आरेख, निर्णयन, कोडिंग डिकोडिंग, समानताएं तथा भेद, विश्लेषणात्मक तर्क, डेटा पर्याप्तता, विविध ग्राफ की व्याख्या, मानचित्र, जमलिंग संबंध, ये सारा चीज, कथन निष्कर्ष, कथन क्रियाविधि, संख्या तथा वर्णमाला अनुक्रम का समापन। तो मैथ्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, रीजनिंग का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, याद रखना। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो ये सारा लेक्चर फ्री फॉर ऑल है, लेकिन जो आपका मेन लेक्चर आएगा, सीरियस लेक्चर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए होगा। तो जो पेड रहोगे, जो मेंबर्स रहोगे, उन्हें दिखेगा, बाकी लोगों को तो लेक्चर भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर लो। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे रीजनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या पढ़ना है, बाकी चीज मैं लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग बने रहो चैनल के साथ और ज्वाइन कर लो और मंस एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।